परमाई इसे पेन ही कोठाओ किस तरह पाक साफ हो जाता है और रब के किस तरह रिश्ता छुट जाता है।
बताओ जा करके बाबा जी साहब इलाम और स्थानीय के बारे में। मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने खिताब की दावत दी। हम इससे पहले भी कई गुरुद्वारों में खिताब कर चुके हैं। हमारा मतलब किसी मजहब का प्रचार नहीं है, बल्कि उस इल्म का प्रचार है जिसको हर मजहब तस्लीम करता है, और वो इल्म हर मजहब के बस में भी नहीं है। वो कुछ अल्लाह के प्यारे बंदे होते हैं, खास बंदे होते हैं, जो रब के आशिक हो जाते हैं, वो लोग सीखा है। और वही इल्म जिन लोगों ने सीखा उन्हीं में से कोई बाबा फरीद हुआ और कोई गुरु नानक हुआ। फिर उन लोगों ने हर मजहब वालों को दावत दी, किसी एक मजहब का प्रचार नहीं किया, सबको इकट्ठा करने की कोशिश की। जब गुरु नानक को वो इलम हासिल हुआ तो उन्होंने फिर अपना एक कलमा सबके लिए बना लिया कि ईश्वर अल्लाह तेरा नाम राम भी हूं तो रही। इसके ऊपर मुस्लिम उनके साथ इकट्ठे हो गए, हिंदू भी इकट्ठे हो गए, लेकिन उनको ज्यादा मुलाकात मिली और कुछ अरसा वो सिलसिला रहा, उसके बाद हिंदू और मुस्लिम मुंतशिर। अब हम उस इलम की बात करते हैं जो अल्लाह अपने खास बंदों को देता है, उसमें मजहब की कैद नहीं है, वो जिसको चाहे। जब वाहेगुरु ने रूहें बनाई तो सब लोगों को मुखातब हुए, कहा क्या तुम मुझे अपना रब तस्लीम करते हो? तो सब ने कहा हाँ। फिर रब ने उनको दुनिया के लज़ात दिखाए कि कौन है जो उसकी तालब है। बहुत सी उन्होंने दुनिया की लज़ात की तरफ लपकी, वो दुनिया के लज़ात उनके मकदर में ले दिए गए। कुछ जो रूहें थी जो रब का नजारा ही करते हैं, वो उन रूहों को रब से मोहब्बत हो गई। अब वो रूह भी इस दुनिया में आई, कोई अमेरिका में, कोई अफ्रीका में, कोई जापान में, कोई सिखों में, कोई हिंदू में, कोई मुसलमानों में, कोई किसी गैर मुस्लिम में, लेकिन वो रूह वो थी जो अल्लाह से मोहब्बत करती थी, वो इन लोगों में आ गई। अब इन्होंने फिर अपने अपने माहौल के मुताबिक, अपने अपने मजहब के मुताबिक इबादत करना शुरू कर दी। लेकिन कोई मस्जिद में इबादत कर रही है, कोई मंदिर में, कोई गुरुद्वारे में, कोई पहाड़ी पे, कोई जंगल पे, सबने अपने अपने तरीके पे अल्लाह को पाने के लिए बात करना शुरू कर दी। लेकिन अल्लाह उन्हीं को मिला जिन्होंने वो इल्म हासिल कर लिया तो गुरु नानक बाबा को नहीं जा सकती। बाकी जो ना ठीक है आए ये बात करके चले गए, लेकिन रब से दोस्ती भी कर सके ना। सब कहते हैं, हिंदू भी कहता, सिख भी, मुस्लिम भी, वो कहते हैं रब ना गुरुद्वारे में, ना मस्जिद में, ना काबे में, अगर रब है तो तेरे मन में, अगर तू रब को ढूंढना तो इसे ढूंढ। अब वो इल्म कौन सा है जिससे रब अंदर आते हैं? अब तुम यहां अल्लाह किया करके चले गए, जबान से किया ना। कुछ लोग तस्वीर मानों से अल्लाह करते हैं, वो भी अच्छी बात है, वो एक इबादत है, लेकिन वो रूहानियत नहीं है। इसी तरह की तस्वीरें भी तुम्हारे अंदर लगी हुई है, वो भी टिक 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 करती है, वो जो टिक टिक है उसके साथ में अल्लाह अल्लाह बुलाते हैं ना। जब ये उंगलियों के साथ अल्लाह करते हैं तो अल्लाह का जो नूर बनता है वो बाहर जाता है। जुबान से करते हैं वो भी अल्लाह का नूर है, वो बाहर है, अंदर नहीं है, ये इबादत है। लेकिन जब वो अंदर की तस्वीर चल पड़ती है टिक टिक, उसके साथ अल्लाह बुलाते हैं ना, फिर वो जो अल्लाह अल्लाह का रगड़ा लगता है ना, उसका नूर बनता है ना, फिर वो खून में आता है। खून सी होके वो अल्लाह अल्लाह तुम्हारी नसों में आता है, नसों सी होके वो तुम्हारी रूह तक पहुंच जाता है। जब रूह तक पहुंच जाता है ना तो रूह बेदार होकर रूह अल्लाह करना शुरू कर देती है। फिर तुम काम काज करते रहे ना, अंदर अल्लाह अल्लाह होती रहेगी, खाते पीते रहे ना, अच्छा तुम सोते रहे ना, तभी तुम्हारे अंदर से अल्लाह अल्लाह होती रहेगी। जब 24 घंटे इस दिल में अल्लाह अल्लाह 24 घंटे अल्लाह होगी तो जो चीज दिल में आ जाए उसे मोहब्बत हो जाती है। अभी तुम्हारे दिलों में रब की मोहब्बत नहीं है, अभी दुनिया की मोहब्बत है,
अल्लाह से करते हो, फिर जब अल्लाह दिल में आया ना तो अल्लाह से मोहब्बत हुई ना, फिर जब तुम्हारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत हुई फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा ना। और फिर जिन लोगों से रब मोहब्बत करता है उनको देखते भी है ना, फिर उनको बड़े प्यार से देखते हैं, जिस दिन उनको मैं प्यार से देखा वो मोहब्बत भी खत्म हो गई, फिर इश्क आ गया ना, फिर मैं तेरा जब इस स्टेज पे गुरु नानक पहुंचे उस वक्त तुम्हारा मतलब है या नहीं है परवाह नहीं, जिसमें अल्लाह की मोहब्बत आ जाए इश्क आ जाए वो कभी भी दोज़ख में नहीं जा सकता, भले उसका कोई मौत ना। जब गुरु नानक इस स्टेज पे पहुंचे तो मौत हो गए, उस वक्त मुसलमानों ने कहा ये हमारा, सिखों ने कहा ये हमारा, क्योंकि वो मुसलमान को भी फैज था और सिखों को भी फैज था, वो मजहब का फैज नहीं था वो इश्क का फैज था। आपस में लड़ने लगे कि नहीं मैं राज लेके जाऊंगा, दूसरे कहा मैं लेके जाऊंगा, उस वक्त ये फैसला हुआ लड़ो नहीं, इनको चारपाई के ऊपर डालो सीधा, इनके ऊपर चादर तान दो और चारपाई को सुनाने की तरह से उठाओ, ये जिधर भी गिर जाए उनका। जब चारपाई के ऊपर उठाया कहीं भी नहीं गिरे, जब कपड़ा उठाया तो बाइश नहीं है उसने, ना इधर गिरी ना उधर गिरी, और किधर गई, और ना इनकी थी ना उनकी थी, अल्लाह की थी अल्लाह ले गई। जब इस दिल में 24 घंटे अल्लाह होती है, इस दिल में अल्लाह का नूर आ जाए, तुम्हारा और रब के दरमियान जो रब्ता है ये दिल दिल है, ये तुम्हारा जो रब से रब्ता होता है इस दिल की होता है, ये दिल टेलीफोन है, टेलीफोन में अगर बिजली होगी तो काम करेगा ना, और इस दिल में नूर होगा तो काम करेगा ना। टेलीफोन में बिजली होगी तो बिजली की लहरें यहां से उठती है तो यूरोप जाती है, तो यहाँ नूर होगा तो नूर की लहरें यहां से उठती है अशमल्ला तक जाती है ना, उस वक्त कुछ बात करेगा वो भी अशमल्ला, अतः कुछ जो भी बात करेगा वो भी अशमल्ला तक जाएगी ना। अभी तुम्हारी बात तो यही है, कमरे से बाहर भी नहीं जाती ना, बात किसी सुनी तो नहीं है ना, फरिश्तों ने देखी होगी ना किसने ये इबादत करी, लेकिन जब तुम्हारा टेलीफोन लग जाएगा ना तो ये इबादत तुम यहाँ करोगे तो आवाज वो इबादत है जो उन लोगों की इबादत है। उसके बाद फिर ये लोग रब को देखते भी हैं, ये जो आवाज पहुंचती है ना रब को देखते भी हैं, कैसे देखते हैं, जब हम अल्लाह होती है तो तुम्हारे अंदर कुछ मखलूकें हैं जिनको रूह बोलते हैं, वो अल्लाह रूह तो चली जाती है, वो रूह उनकी परवरिश होना शुरू हो जाती है रूह से। एक मखलूक है जो तुम सोते हो इस जिस्म से निकलती है इस दुनिया में घूमती फिरती है, वो एक मखलूक है तुम्हारे अंदर की मखलूक है, लेकिन उसमें ज्यादा पावर नहीं है, सिर्फ इस दुनिया में घूमती रहती है। इसी तरह और भी मखलूकें हैं, जब उनमें नूर की पावर आती है तो फिर वो इस जिस्म से निकलती है तो सीधी रब के पास, फिर वो उनमें रब को देखती हैं, तो फिर वो रब को देखती हैं, उनके लिए बंदा जो है ना वो रब को देखता है। ये तुम्हारे अंदर इतना कमाल है, अगर तुम इन रूहों को ताकत पहुंचा दो यकीन करो तो रब फिर दूर नहीं है, उस रब दिल में अगर तुमने इनको नहीं छेड़ा तो रब बड़े दूर है, फिर मिलते ही उसका नाम निशान नहीं। अब उन दिनों में वो जो रब अंदर आता कैसे, उसका भी कुछ तरीका होता है जो उन लोगों ने सीखा, इसके लिए अल्लाह का नाम लिखते हैं कागज के ऊपर, उसको फिर देखते रहते हैं दिन में कई दफा, जब भी मौका मिले उसको देखे थोड़े दिन देखते रहते हैं, एक दिन आता है कि जो कागज पे लिखा होता है वो आंखों में तैरना शुरू होता है। दूसरा तरीका है जीरो के बल्ब के ऊपर अल्लाह लिखते हैं, सोते हो उसको देखते रहते हैं, तो एक दिन आता है वो उस जीरो के बल्ब पे अल्लाह लिखा होता है वो भी आंखों में तैरना शुरू होता है। जब आंखों में तैरना शुरू हो जाए फिर लिखना देखना बंद कर दे, फिर तवज्जो से उसको आंखों से दिल के ऊपर उतारते हैं, फिर वही लफ्ज जो कागज पे लिखा था वही दिल में लिखा नजर आता है ना। पुलिस की मौत पुलिस वाला अल्लाह लिखा गया अल्लाह, जब वो लफ्ज यहां लिखा नजर आता है उस वक्त दिल की धड़कन तेज होती है टिक 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 टिक, उसके साथ अल्लाह वाला। फिर
तवज्जो देते हैं, फिर वो टिक टिक देर होती है, फिर उसके साथ अल्लाह अल्लाह बनाते हैं। एक दिन ऐसा होता है फिर आदमी सोता रहता है तो अंदर अल्लाह अल्लाह होती रहती है। फिर आप तो सोने लगे, इस उंगली को कदम ख्याल करें कि मैं तसव्वुर से अपने दिल पे अल्लाह लिख रहा हूं। अब आपको गुरु नानक से मोहब्बत है ना, उनके नाम से मोहब्बत है ना, लेकिन आप उनसे फैज हासिल करें ना, अरे उसको उनकी तालीम से बात करें ना, उनसे फैज हासिल करें ना। अब जो फैज का तरीका है, जब आप दिल पे अल्लाह लिखे और ख्याल करें कि गुरु नानक साहब मेरी उंगली को पकड़ के मेरे दिल पे अल्लाह लिख रहे हैं ना, फिर उनकी जो रूहानी ताकत है वो तुम्हारे तरफ पहुंचेगी ना, और तुम्हारे दिल पे अल्लाह लिखा जाएगा। कभी कभी इस दिल पे हाथ रखे, जब दिल धड़के उस धड़कन के साथ अल्लाह वाला ना, कभी कभी इस नब्ज के साथ अल्लाह वाला कि अल्लाह अल्लाह इस नब्ज के जरिए मेरे खून में जाना है। कोई ऐसा काम करें जिससे दिल धड़के, कोई वर्जिश करते हैं, किसी बुजुर्ग ने नचाया लोगों को नाचो, कोई नाचते हैं, डांस करके अल्लाह अल्लाह करते हैं, यही मकसद होता है कि दिल धड़के उस धड़कने के साथ अल्लाह, ये इसका तरीका है। और ये हर मजहब उसको तस्लीम करता है, और जिसमें ये चीज आ जाए तो वो अल्लाह का दोस्त और अल्लाह उसका दोस्त हो जाता है। इसलिए अगर आप लोग चाहें तो तरीका मैंने बता दिया, अगर अल्लाह करना चाहे तो इंशाल्लाह हम बता देंगे। अब जो मैंने बात करी इसके मतलब अगर कुछ सवाल हो तो वो भी कर सकता है अपना ध्यान सवाल। बाबा जी ने सानू दो चार गल्लां जिहड़ियां दसियां ने, मन दी माला, अपने मन नूं पाक साफ करन दे मतलब, उहदे मतलब अगर किसी बीवी नूं भैण नूं सज्जन नूं सवाल करना होए तो तुसीं प्लीज बड़ी वरतों नाल कर सकते हो, ताकि कुछ भी समझ ना आई होए ने कहा कि हर बंदे का रब तक पहुँचने का तरीका भी यूनीक ही है, तुसी स्टैंडर्ड तरीके नूं लै के फॉलो नहीं कर सकते है। वैसे भी देखो अगर बहुत पिछले हजार साल किन्ने महापुरश होए है ने, ते तां भी दुनिया का हाले तक कुछ नहीं होया है, कितने नहीं पहुँचे असी लोग, ते गाइड करन वाले लोग बड़े घट है ने इस दुनिया च। मेरे ख्याल इंडिविजुअल बंदे नू गाइड करना बहुत जरूरी है, बजाय कि बहुत सारे बंदियां नू लैके वन टू वन गाइडेंस बहुत जरूरी है। तो तुहाडे सिस्टम नाल बंदा 100 बंदे इको दम इंप्लॉय कर सकते हैं, अपने अपने विच उतार सकते हैं, उन्हें बोल भर गए ना पास गए लोग भर जगह भी प्रैक्टिस करना करता किस में रखना है, ये उस नीलों मासूम का जिस रख जाएगा महापुरुष ही दस सकते ने, या फिर रब की मेहर होए ते सारे सच्चे भी नहीं हो सकते ना, शहीद कोई भी हो सकता,
कितने हजार मजहब ने दुनिया कर हम इस तरह जरूरी है ना तो कुछ रब का रबता पैदा करें जिस तरह रब थोड़े अंदर आ जाएगा ना नशन हो जाएगा ना जो मजहब रब को पसंद होगा ना वही मजहब चले जाएंगे अगर ना भी गए रब इश्क हो गया कोई काफी है ना क्योंकि जिस रब की मोहब्बत हो जाए ना तो मजहब नहीं जा सकते ना तो मजहब का मतलब ही है पैसा मिले कोशिश करांगे जिवें तुसीं कहा प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिस करांगे पर जदों गुरद्वारा साहब तों बाहर जांदे आं या तुहाडे महापुरशां दे वचन सुन के दुनियावी कम्मां च रुझ जांदे आं फिर साडा मन जिहड़ा है वो इन्हां चीज़ां आई मीन जिहड़ी स्पिरिचुअल चीज़ है उन्हां हट के दुनियावी कम्मां दे विच ज़्यादा चला जांदा कोई ऐसा तरीका है जिहदे नाल असीं दुनियावी काम करदियां होइयां वी स्पिरिचुअल जिहड़ा अपना जिहड़ी मन दी एकाग्रता है उन परमात्मा नाल जोड़ सकदे ਉਹ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਸ ਜਾਏ ਨਾ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਰੱਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਰਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਆਏਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਪੈਰਿਸ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਲੇਟ ਗਿਆ ਜੂਹੀ ਲੇਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜ਼ਿਕਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਖਰ ਮੌਤ ਲੰਮੀ ਹੀ ਧੜਕਣ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਧੜਕਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਅਗਰ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਇਤਨਾ ਪੁਸਤਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਅਸਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਸੋਂ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੰਗ ਤਰਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਰੇ ਆਪਦਾ ਕਰਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਚਾਹੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜਿਹਨਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਮੰਗੀ ਸੀ ਉਹ ਭਲੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਜਿਹਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਮਸਜਿਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਤ ਕਰੋ ਬਸ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੈਠਿਆ ਨਾ ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਨਾ ਪਤਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸੁਣ ਸਾਲਤ ਹੈ ਬਗਾਰ ਕਰਵਾ ਲੈ ਤੂੰ ਬਗਾਰ ਸਾਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਜੰਨਤ ਜਾਏਗੀ ਨਾ
सिर्फ एक खास लोगों वास्ते है, तो आम लोगों वास्ते, लेकिन खास आम सारे मिक्स हो गए ना, उन्हें क्या पता है क्या खास है, वो जो प्रैक्टिस करेगा तो पता लगेगा मैं खास मेरे अंदर डाल नबाती होंगी है और ये दस्तान भी चाहती है उस बच्चा पेट में प्रवेश पाता है तो चार छह महीने के दरमियान एक और रूह पैदा है रूह हवानी जिससे बच्चा पेट में हरकत करता है फिर बच्चा पैदा होता है उस रूह इंसानी आती है उसे नाल सत मखलूक होती है मुसलमान लताइफ कहते हैं हिंदू शक्तियां कहते हैं हम जिस बंदा मर गया जमाती नबाती हवानी रूह सी ना वो इस दुनिया में रहती है बाकी जी असली रूह है ना वो ऊपर चली जाती है वो जी जमाती नबाती रूह है ना वो तुम्हारी छोड़े उस दाल और उस छोड़े उस वो दुनिया में इतना महंगी रहती है एक इंसानी रूह जी हमने वो एक एक जिसम वास्ते है और फर्ज किया इंसानी रूह आजाद जिसम में जा रहे उठे जिसम होना मिली है कहने जिसम सारे उम्मीदवार हो गए ना रूह तो निके उम्मीदवार बहुत सारे राह बनते हैं तो किस किस किस्म से उन्हें मिली मिलनी वो इंसानी रूह से एक किस्म वास्ती है ये नहीं रूह अन्ना ये सारी उम्र एक किस्म छोड़ दे दूर किस्म बात इन अगर कोई सार का बात इंसानी रूह का ऐसा जन्मान संग इसका मन मानिया
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਜਸ ਕੈਦ ਅੰਦਰ ਕੀ ਦਿਨ ਕੇਵਲ ਵਿਖਿਆਨ ਇਹ ਰੂਪਾ ਜੀ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ ਬਾਹਰ ਰੁਕੇ ਜਿਸ ਮਨ ਭੂਖ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਣ ਮੰਚ ਦਿਆਵੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੈਸਾ ਸੰਦੇ ਸਾ ਦਿਸਟਾਇਆ ਸੋਲ ਸੁਦਰ ਸੁਦਰ ਸੀ ਜਿਆ ਜਬ ਦੇਖੋ ਤਬ ਸਭ ਕਿਛ ਮੂਲ ਲੈਕਿਨ ਚਰਨਾ ਨੇ ਕਿਛ ਮਰੇ ਪਾਵਨ ਜਾਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਨਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਪੇ ਆ ਸਕਣ ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣਾ ਸੀ ਨਾ ਹੈ ਕਿਛ ਖੰਡ ਅਲਗ ਮੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਾਤਾ ਸੁਭਾਵੰਤ ਪੱਕੇ ਸੇਵ ਸੇ ਉਧਾਰਨ ਆਪੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਤੇ ਕੀ ਚਰਨੀ ਪਾਓ ਸਭ ਪੂਰਨ ਸਰਨਾ ਯੋਗ ਹਰ ਪਰਮ ਚਾਕਾ ਨੇਤਰ ਪੁਰ ਹਰ ਯੁਗ ਮੰਗਲ ਸੱਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਮੇ ਰਾਜ ਯੋਗ ਮੇ ਜੋਗੀ ਜਾਇ ਜਾਇ ਪਤੇ ਸੰਪਾਇਆ ਜਾਤੀ ਲੀਲਾ ਕੀ ਮਿਤਨਾਏ ਕਿਤਾ ਕਰਨਾ।